अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर वन के लेक्चर टू में मैं आप लोगों के साथ मौजूद हूं। तो हमने लास्ट टाइम प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन देखी थी। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी, जिनको हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी के अंदर सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमें सिर्फ ये कहती है कि फॉर ऑल रियल नंबर्स एवरी नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ, कि जो भी नंबर है वो अपने आप के इक्वल होता है। इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास है, दैट इज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, कोई से दो रियल नंबर्स के लिए ए इज इक्वल टू बी इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू ए। अगर कोई नंबर हमारे पास फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू सेकेंड वन, देन दिस शोज दैट सेकेंड इज ऑल्सो इक्वल टू फर्स्ट वन। और ये तमाम रियल नंबर्स के लिए बात होल्ड करती है। फरहाल का मतलब ये है कि आप जो मर्जी रियल नंबर चाहें उस टाइप के लिए, तो उन तमाम के लिए कंडीशन होल्ड कर रही होगी। थर्ड वन इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी थ्री रियल नंबर्स के लिए होल्ड कर रही होती है। फरहाल थ्री नंबर ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए इज इक्वल टू बी, अगर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू सेकेंड वन एंड सेकेंड इज इक्वल टू थर्ड वन, देन फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू थर्ड वन। ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी शोज दैट A is equal to C, first is equal to third one. Next we have additive property. Additive property हमें ये कहती है, if A is equal to B, then if we add C on both side, अगर दोनों साइडों पे आप लोग C add कर दें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, okay? Next we have multiplicative property. Multiplicative property shows that if A is equal to B and if we multiply same number on both sides, either on right side, either on left side, then numbers are same. Next we have cancellation law. Cancellation law if with respect to addition. This law is with respect to addition. अगर दोनों साइडों पे कोई number C add हो रहा है A में भी और B में भी, आप उसको सब्ट्रैक्ट कर सकती हैं, कैंसिल आउट कर दें, तो इक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली कैंसिलेशन लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन है कि अगर कोई नंबर रियल नंबर आपस में दोनों साइडों पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप लोग उसको कैंसिल आउट कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, डिवाइड कर दें, लेकिन दैट नंबर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी और ऑर्डर प्रॉपर्टीज। इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज कौन सी है हमारे पास, उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज हैं, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। फिर वी हैव इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी, फर्स्ट वन इज ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी हमें कह रही होती है कि कोई से दो रियल नंबर हों ए और बी, तो टोटल थ्री पॉसिबिलिटीज यहाँ पर होल्ड कर रही होती हैं। कौन कौन सी, आइदर ए इज इक्वल टू बी, आइदर ए इज लेस देन बी, और ए इज ग्रेटर देन बी। कि कोई भी दो, कोई से तीन दो रियल नंबर आप लोग ले लें, ए और बी, सॉरी दो नंबर, तो उनमें टोटल थ्री पॉसिबिलिटीज होती हैं। वो नंबर या तो इक्वल होंगे, या पहला नंबर दूसरे से छोटा होगा, या पहला नंबर दूसरे से बड़ा होगा। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहती है If A is greater than B, ये greater के लिए भी और less के लिए भी, क्योंकि order properties हम देख रहे हैं, less than या greater than की properties को देख रहे हैं। A greater than B हो और B greater than C हो, पहला दूसरे से बड़ा और दूसरा तीसरे से बड़ा हो, तो first number is also greater than third number। ये हम इसको कहते हैं transitive property, okay? और यही केस हमारे पास less के लिए है। If A is less than B, B is less than C, then A is less than C। Additive property, अगर A greater than B, ये बिल्कुल कैंसिलेशन के अपोजिट टाइप ही था, जैसे आप लोग कैंसिल करते होते थे इक्वलिटी में, कि अगर आप लोगों के पास A greater than B हो या A less than B हो, तो दोनों साइडों पे सेम नंबर रियल नंबर ऐड कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे, यहाँ पर हम इसकी एग्जांपल देख सकते हैं। तो हमें पता है 2 इज लेस देन 3, आप दोनों साइडों पे 1 ऐड कर लें, या 2 ऐड 4 ऐड कर लेते हैं दोनों साइडों पे, 2 प्लस 4 6 हो जाएगा। 6 भी जो है, इधर भी 6 ऐड कर ले, 4 ऐड कर लेता हूँ, तो 6
27 से लेस रहेगा। मैंने दोनों साइडों पे 4 ऐड किया, सेम नंबर को ऐड किया, सी को ऐड किया। इसी तरह ग्रेटर के लिए भी कि मेरे पास जो है वो 4 इज ग्रेटर देन 1, दोनों साइडों पे आप लोग 2 ऐड कर लें, 6 भी ग्रेटर देन 3 रहेगा। 2 ऐड कर लिया है मैंने। ओके, मल्टीप्लीकेशन के लिए देखते हैं। मल्टीप्लीकेशन के लिए 1 इज लेस देन 2, दोनों साइडों पे एक नंबर मल्टीप्लाई करवाता हूँ 2, 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 2 भी लेस रहेगा 4 से। लेकिन अगर मैं 1 लेस देन 2 देखूं और -2 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो -2 ग्रेटर हो जाएगा -4 से। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम केस ले रहे हों नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने का, तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होने के बाद इनइक्वालिटी हो जाती है चेंज। तो ये भी हम अभी देख लेते हैं कहाँ पे उसने प्रॉपर्टी को डिस्कस किया है। ये देखें यहाँ पर मौजूद है a is greater than b, then a plus c is greater than b plus c। इसी तरीके से a greater than b, c greater than d। अगर एक नंबर दूसरे से बड़ा है, इसी तरीके से एक और नंबर दूसरे से बड़ा, आप लोग दोनों बड़े नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें या ऐड करवा दें तो दूसरी साइड के छोटे नंबर से हमेशा ही बड़े रहेंगे। नेक्स्ट वी हैव मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है? ये वो प्रॉपर्टी जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या होगा हमारे पास। ये देखें कि a ग्रेटर देन b हो, ये 1 ग्रेटर देन 2 है, तो आप लोग दोनों साइडों पे को पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करवा भी दें, 1 लेस देन 2 है तो दोनों साइडों पे 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो 2 लेस देन 4 रहेगा। और ग्रेटर के लिए भी यही सिचुएशन रहेगी, लेस है तो लेस रहेगा, ग्रेटर है तो ग्रेटर रहेगा। लेकिन ये तब तक रहेगा जब तक जो नंबर आप जिससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं वो नंबर मल्टीप्लाई होने वाला नंबर क्या हो, वो पॉजिटिव हो, ये वाला नंबर हो। लेकिन अगर वो नंबर नेगेटिव होगा, जैसा कि अभी हमने इस केस में देखा था कि हमने यहाँ पर 1 और 2 के साथ -2 से मल्टीप्लाई करवाया था, तो अगर वो ग्रेटर है तो लेस हो जाता है 3 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद, और लेस है तो वो क्या हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है। इस तरह के आप लोग और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये लेस वाली एग्जांपल देखी थी, ग्रेटर वाली देख लेते हैं। 7 ग्रेटर देन 1 है, माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे -2 से तो -14 लेस देन -2 हो गया। ठीक है जी, ये इसी टाइप का केस हमारे लिए क्या है, मल्टीप्लीकेशन की और प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पर मौजूद। अगर a ग्रेटर देन b तो ए सी, ओके हमने प्रॉपर्टी देख ली, ए ग्रेटर देन बी, सी ग्रेटर देन डी, तो जो ग्रेटर नंबर है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें और लेसर को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ग्रेटर नंबर हमेशा ग्रेटर रहेंगे। सेम इज द केस फॉर द लेसर वन। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल्स। प्रूव दैट फॉर एनी रियल नंबर्स ए बी ए डॉट 0 इज इक्वल टू 0। अच्छा बेटा, देखने में तो एक सिंपल सी बात हमें लग रही है कि ए डॉट 0 इज इक्वल टू 0 का मतलब यही है कि ए को जब भी 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर तो 0 आ जाएगा। लेकिन हम यहां पर रियल नंबर की प्रॉपर्टीज को यूटिलाइज करके इस रिजल्ट को प्रूव करना चाह रहे हैं। अब रियल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या कहती है? वैसे तो रियल नंबर की प्रॉपर्टी ये भी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सॉरी व्हेन a डॉट 0 नहीं, ये हमारे पास 1 के साथ मल्टीप्लाई होता तो एडिटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बन जाती। यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, a डॉट 0 है, इस 0 को हम क्या लिख लेते हैं, 1 प्लस माइनस 1। ये क्या है, ये एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी थी कि a प्लस माइनस a इज इक्वल टू 0। एडिटिव इनवर्स की एक प्रॉपर्टी थी a प्लस माइनस a इज इक्वल टू 0। तो कोई भी नंबर और उसका नेगेटिव नंबर ऐड करें तो वो 0 होता है, तो मैंने ये काम किया यहाँ पर। ओके, उसके बाद 1 माइनस 1, ऑब्वियसली नेगेटिव और पॉजिटिव मल्टीप्लाई होते हैं तो नेगेटिव आ जाता है, इस प्रॉपर्टी का नाम है डेफिनेशन ऑफ सबट्रैक्शन। फिर अगर कोई नंबर बाहर मौजूद है और अंदर प्लस या माइनस का साइन है तो इसको हम आप लोग कह रहे होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की, मल्टीप्लीकेशन और सबट्रैक्शन या एडिशन साथ में आ रही है। तो ए को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, दरमियान में वही साइन जो दरमियान में मौजूद है, माइनस का तो माइनस आ जाएगा मेरे पास, और क्या करेंगे फिर ए को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ए डॉट 1 माइनस ए डॉट 1, ए डॉट 1 1 मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी है, ये मैं बात कर रहा था स्टार्ट में जब बात की। तो a डॉट 1 ये डायरेक्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है कि 1 के साथ जो भी चीज मल्टीप्लाई होती है a आ जाता है, इसको इसका नाम है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो a डॉट 1 इज इक्वल टू a, ये भी a डॉट 1 इज इक्वल टू a। अब इस माइनस a को मैं लिख सकता हूँ a प्लस
इस माइनस ए को प्लस इंटू माइनस ए, डेफिनेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन जो हमने पहले भी लिखी थी कि प्लस और माइनस आ रहा हो तो फिर आप लोग माइनस लिख सकते हैं, तो माइनस है तो उसके साथ ही प्लस और माइनस लिख सकते हैं। तो ए प्लस माइनस ए कोई भी नंबर और उसका नेगेटिव नंबर आपस में ऐड हो तो जीरो होता है, तो इसको एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये ए डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो। अब देखें मैंने डायरेक्ट कोई स्टेप नहीं किया, सिर्फ क्या काम किया है कि जो प्रॉपर्टीज थी रियल नंबर्स की उन्हीं को यूटिलाइज करके हमने इसका प्रूफ किया है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड प्रॉपर्टी को आप लोग करना चाह रहे हैं। कि ए बी इज इक्वल टू जीरो, देन बी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि ए अगर जीरो ना हो, इफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन बी इज इक्वल टू जीरो। उसको प्रूव करने के लिए ए बी इज इक्वल टू जीरो आपको गिवन है, और साथ में इफ ए इज नॉट जीरो, तो अगर कोई से दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो हो और उनमें एक नंबर जीरो ना हो, तो ऑब्वियसली कोई से दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो सिर्फ तभी हो सकता है जब उनमें से कोई एक जीरो हो। तो ए जीरो नहीं है, ए जीरो नहीं है तो इसका मतलब उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होल्ड करता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो मल्टीप्लाई करवा देते हैं, वन ओवर ए इधर भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं, वन ओवर ए इधर भी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है कि आप लोग उन्होंने मल्टीप्लाई करवा दिया है दोनों साइडों पे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी राइट हैंड साइड पे, वन ओवर ए मल्टीप्लाई करवा देते हैं। वन ओवर ए जो आप लोगों के पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी टाइप है वो भी कर सकते हैं। इससे पहले उसने इस स्टेप में क्या काम किया है, वन ओवर ए डॉट जीरो को जीरो कह दिया है, क्योंकि हम कह चुके हैं कि किसी भी नंबर को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करें पहली प्रॉपर्टी थी वो आंसर जीरो देती है। तो ए को जीरो से मल्टीप्लाई करें जीरो देती है, तो वन ओवर ए को भी जीरो से मल्टीप्लाई करें जीरो आए। तो वन ओवर ए इंटू ए बी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जब लगेगी मल्टीप्लीकेशन की, तो वन ओवर ए इंटू ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। अब ये देखें ये प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी, तो किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वन आता है, जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी लगाई है तो ए और वन ओवर ए जो मल्टीप्लाई हुए तो वन आ गए, वन डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। तो ये बड़े सिंपल से वन डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, और फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वन, वन जिससे भी मल्टीप्लाई होगा कोई चेंज नहीं आती, तो वन डॉट बी इज इक्वल टू जीरो हो गया है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी। तो हमने 3 to 4 प्रॉपर्टीज इसके ऊपर अप्लाई करवा दी हैं, जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट आ गया है जो कि बड़ा सिंपल और रिलेटेड रिजल्ट हमें नजर आ रहा था। इसी तरह हमारे पास ए बी अगर जीरो है और बी जीरो नहीं है तो ए जीरो प्रूव कर देंगे। तो हमें पता चल गया कि ए बी इज इक्वल टू जीरो शो कर रहा है कि या तो ए जीरो होगा या फिर बी जीरो होगा, मतलब कोई से दो नंबर का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो उनमें से कोई एक नंबर पक्की बात है कि जीरो होगा। नेक्स्ट वी हैव अनदर एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल मैं एक दो एग्जाम्पल आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, कि आप लोगों ने ये देखना है कि इन एग्जाम्पल्स के अंदर बिल्कुल वही काम किया हुआ है जो कि इससे पहले आप लोगों ने देखा कि एडिशन की या मल्टीप्लीकेशन की कोई ना कोई प्रॉपर्टी यूज की जा रही है, जिसकी वजह से यह ऐसा आप लोगों को आंसर देता है। तो मैं ये जहाँ पे रियल नंबर की प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही हैं ये आप लोगों को साइन कर रहा हूँ, ये आप लोग देखेंगे। एक्सरसाइज की तरफ हम चलते हैं। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। ओके, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लिखी हुई नजर आ रही है मुझे, ए और बी इज इक्वल टू के ए ओवर के बी, इसको गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन भी कहते हैं, ये एमसीक्यू के हवाले से आप लोगों ने याद रखना। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी जब भी आप लोगों ने चेक करनी हो अंडर एडिशन या अंडर मल्टीप्लीकेशन, उसका मतलब तो वैसे ये होता है कि अंडर एडिशन जब आप लोग चेक करने के लिए जा रहे हैं तो आप लोग जितने भी नंबर्स हैं उनको ऐड करें तब भी इसी सेट से बिलोंग करे, यानी कि इन्हीं नंबर के आपस में बदल बदल के आप लोग ऐड करके देखें और जो आंसर आए सारे इसी सेट के आएंगे, तो ये क्लोज अंडर एडिशन होगा। और इसी तरह अगर इन्हीं नंबर्स को बदल बदल के आप लोग मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आए वो इन्हीं में से आए तो वो क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन होगा। तो इसका प्रोसीजर जो यहाँ पर हम अडॉप्ट कर रहे हैं वो ये है कि हम क्या करेंगे, कुछ वर्टिकल लाइंस ड्रा कर लेंगे। ओके, इन लाइन का क्या हमें फायदा होगा, वो सिर्फ ये है कि आप लोगों ने जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, अगर आप लोग अंडर एडिशन चेक करना चाह रहे हैं तो अंडर एडिशन का साइन पुट करें, और यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं आप लोगों के वो सारे यहाँ पर, ये सिंगल एलिमेंट है तो जीरो प्लस जीरो, तो यहाँ पर सारी पॉसिबल चीजें आ जाएंगी जीरो। तो ये आप लोगों के ओरिजिनल एलिमेंट्स थे, ये आपके आंसर हैं,
तो आंसर जो है उसी सेट से अगर आए तो हम कहते हैं कि क्लोज है। अब देखिए जो आंसर आया जीरो जीरो इसी सेट का मेंबर है, तो ये वाला सेट जो है क्लोज अंडर एडिशन। मल्टीप्लीकेशन भी देखें तो जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करवाया जब यहाँ पे, ये बिल्कुल वैसा ही टेबल ड्रा करके जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई किया जीरो आया। तो आप टेबल बनाने के बाद ही अगर ये ना भी लिखेंगे तो जीरो डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो ये क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन भी बन रहा। इसी तरीके से वन है, वन का टेबल बनाया दोनों साइडों पे आप लोगों ने वन राइट करने के बाद, वन प्लस वन इज इक्वल टू टू, जो आंसर आया है टू वो देखें इस सेट का मेंबर नहीं है वन का, तो अगर वो उसी सेट से बिलोंग करने वाले मेंबर ना हो तो हम ये कहते हैं कि वो फिर क्लोज नहीं है, तो ये क्लोज अंडर एडिशन नहीं है। इसी तरह वन और वन को मल्टीप्लीकेशन के अंदर देखेंगे, मतलब यहाँ पर जिस सेट को आप लोग चेक करने के लिए जा रहे हैं ये वही वाला सेट है ना जो प्रीवियस था, अगर आप लोगों ने इसको चेक करना है अंडर मल्टीप्लीकेशन तो इधर भी वन लिखी है इधर भी वन लिखी है, वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे बस। यहाँ पर बाय चांस सिंगल एलिमेंट है इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है, अदरवाइज नेक्स्ट एग्जांपल में देखें उसने जो है मोर देन वन एलिमेंट्स लिखे हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा जीरो और माइनस वन, तो आपने जीरो और माइनस वन को इधर भी लिख लेना है, इधर भी लिख लेना है और इधर भी लिख लेना है। फिर अंडर एडिशन चेक करें तो एडिशन का साइन मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन, अंडर एडिशन चेक कर रहा हूँ जीरो प्लस जीरो क्या आंसर है जी जीरो लिख दिया हमने, जीरो प्लस माइनस वन आंसर क्या है माइनस वन, ओके लिख दिया, माइनस वन प्लस जीरो यहाँ पे माइनस वन, माइनस वन प्लस माइनस वन माइनस वन। तो हमने क्या किया टेबल जब ड्रॉ कर लिया, टेबल बनाने के बाद हमें पता चला कि जो आंसर आए हैं जीरो माइनस वन और माइनस टू, तो टेबल से ही आप डायरेक्ट इसके बाद ये भी लिख सकते हैं चारों की चारों बातें कि ये इसी सेट के मेंबर हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट बता दें एज माइनस टू डज नॉट बिलोंग टू जीरो माइनस वन, सिर्फ ये बात लिख दें कि माइनस टू जो इसके आंसर में माइनस टू आया हुआ है ये एक ऐसा मेंबर है जो कि इस सेट में मौजूद नहीं था, इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। इसका इससे ये पता चला कि ये जो सेट है ये वाला जो सेट दिया हुआ था दिस इज नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लीकेशन वही वाला सेट है जीरो वन, तो जीरो और माइनस वन को इधर भी लिख दिया जीरो और माइनस वन को इधर भी लिख दिया। फिर क्या करेंगे, फिर हमने जीरो को जब जीरो से मल्टीप्लाई करवाया तो ये आंसर जीरो आ गया, ओके जीरो को जब माइनस वन से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर फिर जीरो आएगा क्योंकि जीरो जिससे मल्टीप्लाई हुआ आंसर जीरो आएगा, माइनस वन को फिर जीरो से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर जीरो आया, और माइनस वन को जब माइनस वन से मल्टीप्लाई करवाया तो ये वन आया। तो आप लोगों ने फर्स्ट टाइम इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करवाया, अगली दफा इसी एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करवाया, फिर इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करवाया और आखिर में दोबारा इस एलिमेंट को, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के आंसर ये आया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के ये आंसर आया था, इसको और इसको मल्टीप्लाई करवा के आंसर ये आया है, और लास्ट माइनस वन माइनस वन मल्टीप्लाई करवा के उसके नीचे आंसर। तो अब इसके अंदर वन एक ऐसा मेंबर आ गया जो कि आपके सेट में नहीं था, माइनस वन था सेट में वन नहीं था, तो माइनस वन इसमें बिलोंग नहीं कर रहा था, इसका मतलब ये क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन भी नहीं है। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करनी है क्वेश्चंस की कि क्लोज अंडर एडिशन और मल्टीप्लीकेशन है या नहीं। ओके एक और सेट चेक किया हुआ है वन और माइनस वन वाला, मल्टीप्लीकेशन के अंदर तो ये क्लोज है, एडिशन के अंदर नहीं होगा क्योंकि एडिशन करेंगे तो वन और वन के एडिशन टू देगा आंसर, नीचे उसने टेबल कहीं पर बनाया हुआ होगा, ये बना हुआ है वन और माइनस वन की जब एडिशन करेंगे तो टू आएगा, और टू इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये क्लोज नहीं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू की तरफ चलते हैं इस एक्सरसाइज के, क्योंकि आप लोगों के पास बुक मौजूद होगी, मैंने जो आप लोगों को दिया था काम करने के लिए वो यहाँ पर मौजूद हैं, सॉल्व एग्जांपल्स हैं, उनको आपने देखना है, जो इशू होगा वो फिर हम डिस्कस करेंगे। तो ये आप क्वेश्चन हमने कर लिया जीरो वन जीरो माइनस वन और वन माइनस वन, इनको हमने चेक कर लिया कि क्लोज हैं या नहीं अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लीकेशन, टेबल बना बना के जो अभी हमने चेक किया। उसके बाद आ जाए जी हमारे पास क्या है, नेम द प्रॉपर्टीज यूज इन द फॉलोइंग इक्वेशंस, लेटर वेयर यूज रिपीट रिप्रेजेंट रियल नंबर, यानी कि अगर ए बी सी डी लिखा हुआ है तो वो रियल नंबर है फॉर ऑल, क्योंकि आप लोगों ने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो फॉर ऑल रियल नंबर ए बी सी इस मीनिंग में पढ़ी थी, तो ये रियल नंबर से डिनोट कर रहे हैं वहां पे, अगर ए लिखा हुआ है उसने सेपरेट से आर नहीं लिखा यहाँ पे। ओके तो फोर प्लस नाइन इज इक्वल टू नाइन प्लस फोर, तो ये अगर आप लोग गौर करें इस प्रॉपर्टी पे फोर प्लस नाइन इज इक्वल टू नाइन प्लस फोर, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी से मिलती जुलती है, ये इस प्रॉपर्टी से मिलती जुलती है, यहाँ पे प्रॉपर्टी है
एडिशन की प्रॉपर्टीज में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये रहा, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस है। तो हमारे पास जो तमाम प्रॉपर्टीज है अगर हमें वो प्रिपेयर होंगी तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होने का मतलब यही है कि 3+4 और 4+3 अगर आप इसमें खोलो तो एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है हमारे पास। ओके, फर्स्ट पार्ट को हमने देख लिया जी। सेकेंडली, थ्री नंबर जो ए प्लस वन और थ्री और फोर, थ्री नंबर में और दोनों तीनों के दरमियान में प्लस हो और ब्रैकेट्स इंटरचेंज हो जाए तो इसका नाम है थ्री के लिए जो है फॉर ऑल थ्री नंबर्स के लिए ये जो प्रॉपर्टी ए प्लस बी इंटू सी, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी थी लिखते हुए कुछ ऐसी थी हमारे पास प्रॉपर्टी, ये इस टाइप की प्रॉपर्टी थी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस, ये उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी है तो इसका नाम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी था। अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो आप इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जो कि ये वाली प्रॉपर्टी आपको नजर आ रही है, मैंने वहां पर राइट की थी तो मैंने मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी भी, ये एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, तीन नंबर तीन में प्लस है, ये एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी प्रॉपर्टी देख जाती है, ये हमने कॉम्यूटेटिव देखी। 100 प्लस 0 इज इक्वल टू 100, किसी भी नंबर में 0 प्लस करें और वो चेंज ना हो तो इसको आप लोग कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, कि ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो नंबर 0 है जिसको ऐड करने से फर्क नहीं पड़ता, दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का नाम। 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1000, इसको नंबर को मल्टीप्लाई भी किया है और कोई फर्क नहीं पड़ा 1000 को, तो मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क ना पड़े तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और ऐसा नंबर सिर्फ 1 है, इसका नाम हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 4.1 प्लस माइनस 4.1, ये दो एक नंबर ए प्लस माइनस ए, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया भी था प्रॉपर्टी के जब देख रहे थे, तो इस प्रॉपर्टी का अपना एक नाम है जिसका नाम है, इसको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स, कि किसी भी नंबर में नेगेटिव नंबर ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओके, ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0, ये भी एडिटिव इनवर्स है हमारे पास प्रॉपर्टी। ए इंटू बी माइनस सी, बाहर मल्टीप्लीकेशन अंदर प्लस या माइनस हो, जैसे कि इसमें है तो मतलब नाइन्थ प्रॉपर्टी में और ट्वेल्थ प्रॉपर्टी में है, बल्कि जो रिमेनिंग जितनी भी प्रॉपर्टीज यहाँ पे नजर आ रही है काफी सारी, इस प्रॉपर्टी में भी बाहर मल्टीप्लीकेशन है और अंदर एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, इसका नाम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है। तो हमारे पास ये तीनों प्रॉपर्टीज डिस्ट्रीब्यूटिव हैं, लेकिन अब इशू ये है कि जो बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर, वो नंबर लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे, यहाँ पे ये नंबर राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि इस ट्वेल्थ में और इसमें ये नंबर लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके जी, अब हम देखते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ, जहाँ पे उसमें लिखे हुए सोल्यूशन, तो ये देखें प्रॉपर्टीज के नेम, 4 प्लस 9 और 9 प्लस 4 का नाम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ऐसे लिखना है आपने प्रॉपर्टी का नाम। ए प्लस 1 इंटू 3 ओवर 4, तो ये तीन नंबर के दरमियान में प्लस और ऑर्डर चेंज होते हैं तो इसका नाम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। के रूट 3 प्लस के रूट 5, ये भी थ्री नंबर के दरमियान में प्लस का साइन है और जस्ट ब्रैकेट चेंज हुई है तो इसका नाम भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। 1000 मल्टीप्लाई प्लस 0 इज इक्वल टू 1000, तो किसी भी नंबर में ऐड करने से फर्क नहीं पड़ा तो एडिटिव आइडेंटिटी या वही प्रॉपर्टीज है जो अभी हमने चेक की थी, इसका नाम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स, इन प्रॉपर्टीज को अभी हमने डिस्कस किया था साथ में। नेक्स्ट, इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज आ गई हैं। इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जिसके अंदर ए लेस देन बी है और इंप्लाइज दैट 0 लेस देन 1, ये -3 और -2 है। अब यहाँ पे 0 कब आ सकता है, जब मैं दोनों साइडों पे क्या काम करूं 3 ऐड कर दूं, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो काम हुआ है वो क्या हुआ है, यहाँ पे मैं एक आध पार्ट के लिए करके आपको दिखाता हूँ। -3 लेस देन -2 है, तो इधर -3 में 3 ऐड करूंगा तो 0 बच जाएगा और -2 में 3 ऐड करूंगा तो 1 आ जाएगा। अब
जीरो लेस देन वन, हमें पता है कि पॉजिटिव नंबर जब दोनों साइडों पे ऐड हो, क्योंकि एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि ए लेस देन बी हो तो ए प्लस सी भी लेस देन रहता है बी प्लस सी, तो दोनों साइडों पे कोई नंबर ऐड कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसका नाम हमने रखना था एडिटिव प्रॉपर्टी। ऐसे यहाँ पे देखिए दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई हुआ है नंबर फोर, लेकिन नेगेटिव खत्म हुआ है इसका मतलब माइनस फोर मल्टीप्लाई हुआ है, और माइनस का नंबर जब भी मल्टीप्लाई होता है बोथ साइड्स पे तो याद रखिएगा इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, पहले ये लेस देन की थी तो इनइक्वालिटी चेंज होकर ग्रेटर में कन्वर्ट होती है। वन ग्रेटर देन माइनस वन, दोनों साइडों पे यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई, इसका मतलब नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई नहीं हुआ, यहाँ पे एडिशन हुई है, क्या है वन में फोर माइनस हुआ है और माइनस वन में भी फोर माइनस हुआ है, दोनों साइडों पे फोर माइनस हुआ है, तो कोई नंबर प्लस हो या माइनस हो उसका मतलब, क्योंकि जो सब्ट्रैक्शन है वो बेसिकली एडिशन एडिटिव प्रॉपर्टी ही है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि माइनस फोर दोनों साइडों पे ऐड हुआ है तो एडिटिव प्रॉपर्टी। ए लेस देन जीरो माइनस ए ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब ये है पुत्र के दोनों साइडों पे माइनस से मल्टीप्लाई करवाया हमने, तो माइनस से मल्टीप्लाई करवाने की वजह से इनइक्वालिटी चेंज भी होगी। ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है, इसको रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी भी कहते हैं, ए ग्रेटर देन बी हो तो वन ओवर ए लेस देन वन ओवर बी, किसी भी दोनों साइडों पे इनइक्वालिटी के दोनों साइडों पे जो भी नंबर है उनका रेसिप्रोकल ले लें, उनको उल्ट दें, तो आप लोगों के पास जो न्यू सिनेरियो आता है उसके अंदर इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ए ग्रेटर देन बी इंप्लाइज दैट माइनस ए लेस देन माइनस बी, तो ये भी याद रखिएगा कि हमारे पास यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करवाया जिसकी वजह से इनइक्वालिटी भी चेंज हो गई है, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद ये वो प्रॉपर्टीज हैं ए ओवर सी प्लस बी ओवर सी, जिसमें अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे देखें ए ओवर सी प्लस बी ओवर सी है, तो आप लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज यूज करनी है रियल नंबर की और उनसे प्रूव करना है ये रिजल्ट। तो ए ओवर सी को आप लोग लिख सकते हैं ए क्रॉस वन ओवर सी और बी क्रॉस वन ओवर सी, इसका नाम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कि आपने इनको सेपरेट सेपरेट फॉर्म में लिखा है। फिर वन ओवर सी सेम नंबर है दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप लोग इसको कॉमन ले सकते हैं, यूं कह लें ए प्लस बी इंटू सी, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, और राइट साइड पे नंबर है तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और फिर जब नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। तो देखिए आपने रियल नंबर की प्रॉपर्टीज को यूज करके ये बड़े सिंपल लुकिंग जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करना है, लेकिन ये क्वेश्चन इसके बाद एक और आया हुआ है ये जरूर बता दूं आपको, ए ओवर बी क्रॉस वन है सी ओवर डी क्रॉस वन है, तो इसके डिनोमिनेटर में बी डी चाहिए, तो आप क्या करें एक सिंपल सा काम ये करें, ये इसने डी क्रॉस वन ओवर डी काम किया है, तो आप डायरेक्ट इसके बाद ये वाला स्टेप लिख सकते हैं कि ए डी ओवर बी डी, ऊपर और नीचे डी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इसका नाम बुक के अंदर जो दिया हुआ है गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन के नाम से दिया हुआ है, तो ये काम आप इकट्ठा कर सकते हैं। ये देखें ना ए ओवर बी और सी ओवर डी अगर इस तरह आ जाएं तो आप ए और बी को और बी और सी को मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं, इसका नाम क्या है रूल ऑफ कोशेंट ऑफ फ्रैक्शन। तो इसी तरह ए ओवर बी हो तो के से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, तो उसका नाम लिख सकते हैं गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। तो आप गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन के नाम से ए ओवर बी था तो डायरेक्ट ए डी ओवर बी डी और सी डी ओवर बी डी, और यहाँ पर बी से मल्टीप्लाई कर लें तो बी सी ओवर बी डी लिख सकते हैं गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन सामने लिख के, क्योंकि गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन आप लोगों को बुक में यहाँ पर दिया हुआ है। तो फिर क्या करेंगे, फिर ये बिल्कुल वैसे ही जैसे ए ओवर बी प्रीवियस क्वेश्चन था कि ए डी को सेपरेट कर लें वन ओवर बी डी को सेपरेट, बी सी को सेपरेट कर लें वन ओवर बी डी को सेपरेट, वन ओवर बी डी इसमें भी मौजूद है इसमें मौजूद है, कॉमन लेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन गई, बाहर लिखें इसके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो फिर डिनोमिनेटर में बी डी के साथ लिखें, तो ये आप लोगों के पास क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये बड़ी सिंपल प्रॉपर्टीज को यूटिलाइज करते हुए इसने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो यहाँ तक ये जो सॉल्व आप लोगों ने क्वेश्चन करने एग्जांपल को देख के अगर कोई इशू होगा तो फिर इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही ये फर्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारी एंड हो गई है, फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं इसकी।